नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देश की खास खबरें। सलमान खान को मिल रही धमकियों पर सलीम खान ने कहा, मेरा बेटा नहीं मांगेगा माफी क्योंकि मेरे बेटे ने काले हिरण का शिकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में नाले में गिरी बस, 3 की मौत, साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में हादसा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव ने कहा, 12 सीटों की मांग उचित। ईडी का आरोप, पीएफआई के खाड़ी देशों में 13,000 एक्टिव मेंबर्स, इन्हें करोड़ों के फंड जुटाने का टारगेट, हवाला के जरिए भारत में आतंकियों तक पहुंचाए। दिल्ली लंदन फ्लाइट में बम की धमकी, फ्रैंकफर्ट डाइवर्ट, 2 घंटे तक जांच के बाद विस्तारा बोला फर्जी सूचना थी, 6 दिन में विमानों को 22वीं धमकी। पाक बोर्ड का बीसीसीआई को लेटर, कहा टीम इंडिया चाहे तो हर मैच खेलकर लाहौर से स्वदेश लौट सकती है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राइजिंग राजस्थान समिट, जयपुर बनेगा स्पोर्ट्स हब, लंदन में हुआ बड़ा एमओयू, मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा राजस्थान रॉयल्स की मालिक कंपनी के साथ मिलकर जयपुर को बनाएंगे स्पोर्ट्स हब। धौलपुर में शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई, नष्ट करवाया 250 किलो दूषित मावा और 40 किलो मिल्क पाउडर। बीकानेर में 3300 लीटर घी किया सीज, अमानक होने की आशंका। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, 638 करोड़ के हुए निवेश करार, 5,000 को मिलेगा रोजगार। आइए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरों पर। सीटाडल में दिखेगा वरुण और समंथा का जबरदस्त एक्शन, एक्टर ने दिखाई झलक। अक्षय कुमार फिर से बनेंगे वकील, करण जौहर संग मिलाया हाथ। आइए अब देखते हैं खेल जगत की खास खबरें। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वापसी कर जेवियर बार्टलेट की नजर। 2012 के बाद भारत में टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले कीवी बल्लेबाज बने रचिन रविंद्र। आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरों पर। त्योहारी सीजन में रिटेल ऑटो बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, दो पहिया वाहनों की मांग सबसे अधिक। भारत का डेटा सेंटर मार्केट 2025 तक 8 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। तुर्की में बड़ा हादसा, बस पलटने से 7 की मौत, 33 घायल। नाइजीरिया में हैजा प्रकोप से मरने वालों की संख्या 378 हुई। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉग इन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।